हरियाणा के फतेहाबाद में विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज शुरू हो चुकी हैं। जिले में बनाए गए 72 परीक्षा केंद्रों पर आज हजारों परीक्षार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी। कल 10वीं की प्रथम परीक्षा होगी। इस बारे में डीईओ दयानंद सिहाग ने बताया कि ये परीक्षाएं 3 अप्रैल तक चलेंगी। जिले में नकल को रोकने के लिए 6 उड़न दस्ते जिला स्तर पर और रतिया व टोहाना उपमंडल स्तर पर 3-3 उड़न दस्ते बनाए गए हैं। कुल 12 उड़न दस्तों को चेकिंग के लिए गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि रोजाना बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले रूट पर ये उड़न दस्ते जाकर चेक करेंगे और बोर्ड द्वारा फतेहाबाद के लिए 6 रूट, टोहाना 3 व रतिया के लिए 2 रूट दिए गए हैं। 100% परीक्षा नकल रहित होगी। बोर्ड परीक्षाएं आज प्लस टू का पेपर से शुरुआत हो गई है और कल मैट्रिक की परीक्षाएं हैं। इस प्रकार जो डेट शीट है वो हमारी 3 अप्रैल तक चलेगी दोनों क्लासेस की अल्टरनेटिव डेज पर। और इसमें हमारे यहाँ फतेहाबाद ज़िले के लिए 6 फ्लाइंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई है और 3-3 फ्लाइंग दोनों सब डिविजन लेवल पर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर 12 फ्लाइंग हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फ्लाइंग उन सब डिविजन दूसरे सब डिविजन में जाकर काम करेगी और वो सब डिविजन पर्टिकुलर की जो है वो सब डिविजन में ही काम करेगी। और माननीय बोर्ड सेक्रेटरी द्वारा, चेयरमैन महोदय द्वारा, उन्होंने हर रोज़ रूट चार्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं कि आपने इस रूट पर जाना है फतेहाबाद के। इस तरह हमें 6 रूट फतेहाबाद प्रॉपर के बनाए हुए हैं और 3 रूट टोहाना के, 2 रूट रतिया के। तो ये 11 रूट जो है बनाए हुए हैं और हर फ्लाइंग का रोजाना रूट चेंज होगा। उसी रूट पर जाकर हमने 4-4, 5-5 जो सेंटर है वो विजिट करने हैं। इस बार बदलाव किया गया कि महिला ऑब्जर्वर नहीं लगाई जाएगी सेंटर में? नहीं, महिला ऑब्जर्वर सेंटर में है, महिला सुपरिटेंडेंट नहीं लगाई जाएगी और वो पहले भी नहीं लगती थी। अब की बार पर्टिकुलरली शब्द का यूज कर दिया, महिला स्टूडेंट कम लगती थी, पहले भी कभी नहीं। तो कितने बच्चे परीक्षाएं देंगे इसमें? परीक्षा इसमें अभी मेरे पास वो डाटा नहीं है बच्चों का कि कितने बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो बेहतर सेंटर हैं उन पर हमने जो बोर्ड से लिस्ट आई थी उन्हीं स्टूडेंट्स को और जो डिप्टी है ऑब्जर्वर है लगाया है। और फ्लाइंग की लिस्ट भी सारी की सारी बोर्ड और कार्यालय द्वारा जारी की गई है और वही अधिकारी कर्मचारी जो है फ्लाइंग में ड्यूटी कर रहे हैं। और इस प्रकार जो दूसरे सुपरवाइजरी स्टाफ की कहीं कमी थी वहाँ बोर्ड ने एक रिजर्व लिस्ट डाली थी, वो रिजर्व लिस्ट जब एग्जॉस्ट हो गई उसके बाद हमने बीओज को निर्देश दिए कि आप अपने नज़दीक के जो सेंटर के स्कूल हैं जहाँ उनके बच्चे अपीयर ना हो रहे हो, जहाँ उनका कोई रिलेटिव अपीयर ना हो रहा हो, उस टीचर को आप यहाँ भेजें और किसी स्कूल से 50% टीचर से ज़्यादा को रिलीव मत करना क्योंकि स्कूल के एग्जाम भी चल रहे हैं तो वो भी एग्जाम देख रहे होते हैं टीचर। परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए तो किस तरह का? ये 100% नकल रहित परीक्षा होगी क्योंकि नकल का कहीं पर किसी प्रकार का टीचर्स में एक बहुत अच्छा पढ़ाई के प्रति जुनून जोश भी है। पिछले दिनों सक्षम में भी हमारे जिले फतेहाबाद ने बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है और उसी कड़ी में बोर्ड रिजल्ट्स का भी हमारा जो टारगेट है कम से कम 10-15% पिछले साल की बदौलत हम रिजल्ट में इंक्रीजमेंट लेकर आएंगे। हाँ, वो स्कूल लेवल के पेपर हैं कि, लेकिन वो हमने कई ब्लॉक्स में तो व्यवस्था कर दी है कि क्लस्टर लेवल पर भेज दें और क्लस्टर की जो दूरी है वो करीबन करीबन 3-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर स्कूल की दूरी होती है और हर स्कूल टीचर वहाँ से गुजरता है, आता जाता है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मॉर्निंग में सभी स्कूलों में क्योंकि ABRC BRP जिनके माध्यम से ये मांग कर रहे हैं उनकी संख्या हमारे पास बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा है।